हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज मैं सुबह के गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग, आज सुबह के 1:30 बजे ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, नॉट 10:30 बजे रात के। ठीक है, तो आज आपको कुछ खास इंसान से मिले थे। ठीक है, अब तो ये मनमोहन भैया के भैया, हाँ तो मनमोहन भैया के भैया, अरे हाँ प्रमोद भैया के मनमोहन भैया। ठीक है, ये बड़े भाई साहब नहीं है, छोटे भाई साहब है ये, और काफी साल छोटे ही है। ठीक है, छोटे लग नहीं रहे, छोटे ही लग रहे ये तो। एक तो मनमोहन भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप पहली बार ब्लॉग में है, कुछ कहना चाहते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। क्या बात है अंकुश भैया के बर्थडे का एडवांस गिफ्ट मिल गया अंकुश भैया को। मैं इसको अनरैप करने चलो देखते हैं। मैं जन्मदिन से पहले अनरैप कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो रखो देखो। पहले आप बताओ इसमें क्या होगा। मैं तो बता, मुझे तो पता है नहीं, मुझे घड़ी लग रही है इसमें, पीछे बैक पे वॉल क्लॉक लग रही है, मुझे घड़ी लग रही है, या फिर पीछे वो है क्या नाम से, पीछे कुछ है, हैवी चीज है इसमें, कुछ तो है ही है, शर्मिला कुछ नहीं, कुछ तो है, मेरा नाम नहीं लिखा है तो हैप्पी बर्थडे है ये, लेकिन मेरा ही है, है ना, मेरा है ना, हाँ मेरा है, एडवांस के साथ इसलिए नाम नहीं है, नाम नहीं, डायरेक्ट हैंड ओवर किया गया इसलिए नाम नहीं है। अब क्या कर क्या रहे हो, कहाँ से खोल रहे हो इसको? एक एक चीज रख रहा हूँ ताकि किसी को देनी पड़े तो मैं दे सकूँ, मजा करो ऐसा कुछ भी, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, लो जल्दी पीछे से खोलो, पीछे तो देखो, हाँ हटाइए इसको, हाँ खींच लो फटाफट से, गिफ्ट को इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं, आदमी सस्पेंस खत्म हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, अभी भी मुझे पता नहीं है देख क्या, ये मुझे आर्ट का कैनवास ही लग रहे हैं यार, देखा देखे दोस्तों, समझ आदमी आर्टिस्ट को आर्टिस्ट, मैंने बोला था ना कि आर्ट ही चीज है, बिल्कुल, या तो सरस्वती माता जी की देते या बिल्कुल, ये बोलो तो आर्ट का कैनवस है, पहले मैं पूरा देखूं, अभी पता ही नहीं अंदर क्या, चलिए देखते हैं दोस्तों, अब यहीं रख रहे हैं हम इसको, देखिए दोस्तों आप क्या देख सकते हैं, एक बार और फिर से फेबर कैसल आ गई है, महंगी है भाई पेंसिल, इसका मतलब बिल्कुल 2 रुपए की सही है, ड्रॉइंग बुक है क्या? हाँ ये ड्रॉइंग बुक है, बुक लिखा हुआ गया, अब मैं टेंशन नहीं, मैं टेंशन में आ गया था, बुक मतलब अब हटाओ मत तो, एक सेकंड पे रखो, देखिए दोस्तों मुझे मिला जन्मदिन का सरप्राइज, ठीक है, कैसा लगा अंकुश भी आपको? मनमोहन भैया गले मिलो, भरत मिला, भरत मिला क्या, इतनी इसीलिए बताए, बिल्कुल फाइबर कैसल है, आप इंस्टाग्राम है क्या, अमेजोन पे जाके सर्च कर सकते, बिल्कुल तो थैंक यू मनमोहन भैया फिर से, ठीक मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, प्रमोद भैया क्या बना रहे हैं आज? भैया आज हम बना रहे हैं मटर छोला पनीर और साथ में जो है खीर। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये रहे छोले और ये रहे पनीर, ये रहे प्याज कटे हुए ग्राइंड करे हुए चॉप किए हुए, और ये चॉप की हुई मिर्ची, और ये कटे हुए टमाटर, और ये रहे लहसुन। ठीक है, तो आगे कहा आगे का खीरा पनीर बन रही है, और ये देखिए दोस्तों ये केसर है, दूध में डाल दिया गया, ठीक है, और ये बन रही है खीर, दूध को जो है वो उबालने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो दोस्तों प्रमोद भैया दूध जो गड़ा रहे थे इतनी देर से, अब उसके अंदर जो है वो खीर मिलाने जा रहे हैं, तो आप खीर क्या मिला, चावल मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये चावल अलग तरीके के हैं, ये तो ये बासमती चावल की कनकी है, तो आप देख सकते हैं इससे खीर बहुत ही टेस्टी बनती है, ये बड़े चावल नहीं है, कनकी है, मतलब उसके छोटे छोटे ऐसे टुकड़े मान सकते हैं आप। ये आज हमारे साथ है, पनीर टेस्ट कर सकते, बता सकते उच्च क्वालिटी है कि नहीं, क्योंकि बचपन से पनीर चखते आए, ठीक है, पर आज उन्होंने करेले चखे इसलिए पनीर तो चख ही सकते हैं भाई। तो प्रमोद भैया जो है वो तेल गरम करते हुए पनीर को फ्राई करते हुए, देखिए नई बोतल खुल रही है तेल की, दो दिन पहले खुली थी सलट की, दूसरी बोतल ही है, देखिए आराम से, ऐसा ही थोड़ी ना हम खाऊ पी फैमिली से बिलोंग करते हैं, देख सकते हैं तीनों जनों की तो बंदे कोई कमी बेसी नहीं है दोस्तों, कोई कमी बेसी नहीं है दोस्तों, ठीक है। प्रमोद भैया पनीर को फ्राई करते हुए, जब छोले पनीर की सब्जी बनाएंगे तो मैं बहुत दूर हूँ, तो देखिए दोस्तों प्रमोद भैया खीर बनाते हुए, ठीक है, तो ये केसर जो है दूध में थोड़ा घोला था तो वो अब खीर में मिक्स करने जा रहे हैं, चावल उन्होंने डाल दिए थे और अब डाल रहे केसर, चलिए जी फिर इसका फ्लेवर और कलर बहुत मस्त हो जाएगा,
बंद। तो दोस्तों प्रमोद भैया डाले जा रहे हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू बादाम। ठीक है दोस्तों प्रमोद भैया इसमें चीनी ऐड करते हुए आप अपने स्वाद अनुसार जो इतनी भी चीनी डालना चाहे डाल सकते हैं। ठीक है ये हमने पनीर फ्राई कर चुका है, आपको पहले दिखाई दिया था उस टाइम फ्राई करते थे, आप देख सकते हैं मस्त हो गया ना पनीर। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये सब्जी, ये हमने मसाला तैयार कर लिया। ठीक है अब बस ये थोड़ी देर पकाएंगे फिर इसमें सब्जी ऐड करते हैं, यानी छोले और पनीर। और ये रही इधर हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप मस्त केसर का रंग आ चुका है इसमें। ठीक है तो देखिए दोस्तों हमारी सब्जी बन गई है, प्रमोद भैया जो है वो ऐड करने जा रहे हैं पनीर को। दोस्तों ये हमारी खीर है और ये हमारी सब्जी है जो छोले छोला पनीर है। ठीक है वो बन चुकी है और हम खाने जा रहे हैं। ठीक है तो चलिए दोस्तों ब्लॉग आज का ब्लॉग यहीं तक था, तो कल मिलते हैं, गुड नाइट, जय हिंद।